નમસ્કાર, હું છું માનસી રોહિત. આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. મધ્યપ્રદેશના રાજગઢ જિલ્લાના નાતારામની આશા માલવીયાએ 1 નવેમ્બરના રોજ ભોપાલથી સાયકલ યાત્રા સાથે ભારત ભ્રમણ માટે નીકળી હતી. આશા માલવીયા નેશનલ પ્લેયર છે અને પર્વતરોહણમાં સિદ્ધિ મેળવેલી છે અને શાસ્ત્રીક સ્નાતક, અને તેઓની સાયકલ યાત્રાનો મૂળ ઉદ્દેશ છે મહિલા કલ્યાણ અને આત્મનિર્ભરતા સાથે પર્યાવરણની સુરક્ષાનો હેતુ છે. તેઓ 1 નવેમ્બરથી ભોપાલથી મહિલા સન્માન સાયકલ યાત્રાનો પ્રારંભ કર્યો હતો અને 1000 કિલોમીટર યાત્રા પૂર્ણ કરી ગુજરાતમાં દાહોદ, અમદાવાદ, નડિયાદ, અથઈ, વડોદરા આવી હતી. આગળ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી જતા વડોદરા અને ત્યારબાદ વડોદરા જિલ્લાના પાદરા તાલુકાના ધોબીકુવા ગામ પાસે આવેલ એપિકોર ફાર્મા કંપની ખાતે આગમન થતાં કંપનીના અધિકારીએ સાયકલ યાત્રા સાથે આવેલી યુવતી આશા માલવીયાનું ભવ્ય સ્વાગત કર્યું હતું અને તેઓના હસ્તે કંપની સ્કૂલમાં વૃક્ષારોપણ કર્યું હતું. કંપનીના CHRO રાજુ ફોજદાર તથા કંપનીના CEO જયરામ મન સહિત કંપનીના જનરલ મેનેજર મૌલિક સુથાર સહિતના અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને સાયકલ યાત્રા પર નીકળેલી યુવતીને પ્રોત્સાહિત સાથે સન્માન કર્યું હતું. मेरा नाम आशा मालवीय है. मैं मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के एक छोटे से गांव नाटाराम से हूँ. मैं स्पोर्ट्स में एक नेशनल प्लेयर और पर्वतारोही हूँ. अभी मैंने अपनी भारत यात्रा, संपूर्ण भारत यात्रा भोपाल से शुरू किया था और मेरी यात्रा 20,000 किलोमीटर की है और मेरी दिल्ली में समापन होगा यात्रा का. आज मैं वडोदरा के मतलब RK फार्मा ग्रुप कंपनी में हूँ, साथ ही एफिकोर. मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कंपनी का कि मुझे यहाँ बुलाया गया उसके लिए. ये यात्रा मेरी 20,000 किलोमीटर की होने के बाद मेरी यात्रा का उद्देश्य है कि जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण को लेके हमें कोरोना जैसी महामारी का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही महिला सशक्तिकरण को लेके मैं बात करूँ तो महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान, महिलाओं भारत में सुरक्षा को लेके बात की जाती है तो महिलाओं की सुरक्षा का प्रॉपरली ध्यान रखा जाता है. शासन प्रशासन हर कोई हेल्प करता है तो इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी शासन प्रशासन को भी और एपिकोर कंपनी को कि स्पेशली मुझे यहाँ बुलाया इसके लिए. और ये जो यात्रा है कब समापन होगी? ये यात्रा मेरी 20,000 किलोमीटर होने के बाद दिल्ली में समापन होगा 2023 में, सितंबर 2023 में. और आप बड़ौदा में आए हो और ऐसा रिस्पांस मिला है? जी, मुझे यहाँ बड़ौदा में आके बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है. यहाँ हर कोई सपोर्ट करने के लिए तैयार रहते हैं और शासन प्रशासन और एपिकोर कंपनी जो एक इंटरनेशनल कंपनी है यहाँ से भी मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला. मैं धन्यवाद करना चाहूँगी CEO सर का और HR सर का कि इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया. मेरा नाम आशा मालवी है, मैं मध्य प्रदेश से हूँ. आशा मालविया जो एक बहुत छोट जो गरीब परिवार से हैं, जब इनके प्रण के बारे में हमें पता लगा कि ये कुछ करना चाहती हैं तो इनका जो दृढ़ निश्चय का इससे पता लगता है कि उन्होंने 20,500 फीट की सर BC रॉय पीक जो 28 दिन में की, जो कि उनके नाम पर OMG रिकॉर्ड है. जब हमें ये समझ में आया कि वो महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण के ऊपर भारत भ्रमण करना चाहती हैं तो ये नोबल कॉज को देखते हुए हमने सोचा कि क्यों ना उन्हें जो है एक बार कम से कम अपने जो प्रमिसेज में बुलाया जाए. क्योंकि सर दृढ़ निश्चय होना इतनी कम उम्र में, लोग कहते हैं कि हम ये करना चाहते थे और नहीं कर पाए, उनके पास सैकड़ों बहाने होते हैं वो नहीं कर पाने का जो करना चाहते हैं. लेकिन आशा मालवीय अपने आप में एक मिसाल हैं. मैं ये कहूँगा उस शख्स ने एक शख्सियत हैं जो ये बताना चाहते हैं कि आप जो कुछ करना चाहोगे वो आप कर सकते हो, जो ऊंचाई आप हासिल करना चाहते हो आप हासिल कर सकते हो. तो वो एक नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का द्योतक हैं. पादरा में क्या किया हुआ है आपकी कंपनी द्वारा, क्या आया है, उनका आगमन हुआ है तो क्या वेलकम किया और क्या? हमने जो पूरी मैनेजमेंट ने उनका जो स्वागत किया है और उनका जो एक उद्देश्य है कि उन्हें वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण पर काम करना है तो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी वृक्षारोपण करें. उनके इनिशिएटिव को हम लोग आगे लेके जाएंगे क्योंकि आखिर में हम अपने समाज को, अपने देश को एक अच्छा पर्यावरण दे सकते हैं. वैसे भी एपिकोर हमेशा से ही जो है इन सब चीज़ों में आगे रही है. जहाँ भी हम बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण की बात कर लें, सुरक्षा की बात कर लें, तो एपिकोर हमेशा से ही आगे रही है.